हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोबॉय में और मेरा नाम है अमनदीप। सो दोस्तों, आपके साथ मैं एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आपको पता है आजकल काइट फ्लाइंग का मौसम चल रहा है, सभी बच्चे सभी बड़े, ठीक है, सभी अपनी जैसी एज वाले भी काइट्स बहुत ज़्यादा उड़ा रहे हैं और अपनी काइट फ्लाइंग में, ठीक है, बोलते हैं पेचे पेचे लड़ा रहे हैं एक दूसरे के साथ, पेचे लड़ा रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वो चीज को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जीतने के लिए आजकल आप सबको पता है जो प्लास्टिक की डोर है, प्लास्टिक की डोर सबसे ज्यादा यूज होती है। और वो डोर ऐसी होती है जब आपने क्या बोलते हैं चखरी से उतार दी है, उसके बाद में वो एकदम स्प्रिंग से बन जाती है, तो उसको दोबारा क्या बोलते हैं चक्री पे चढ़ाते भी नहीं है बच्चे, उसको वैसे ही काट देते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। क्योंकि जब मैं छोटा होता था तब हमारे लिए डोर काफ़ी महंगी होती थी, घर पे पॉकेट मनी कम मिलती थी, तो हम जो डोर है डोर के पीसीस भी मैं कनेक्ट करके डोर बनाता होता था और जितनी भी डोर बचती थी मैं वापस खींच लेता था। बट आजकल सबकी जो है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं पॉकेट में थोड़े बढ़ गई हैं, एक्सपेंसेस कर सकते हैं, बच्चों के पास में पॉकेट मनी अच्छी खासी होती है आजकल, तो वो इस चीज़ का नहीं देखते और वो वेस्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है प्लास्टिक वाली डोर, क्योंकि जो धागे वाली डोर होती थी उस पर जब बहुत ज़्यादा एकदम से ही बहुत ज़्यादा लोड पड़ता था वो टूट जाती थी। बट प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो टूटने से पहले बहुत ज़्यादा खिंच जाती है और बहुत ज़्यादा जब खिंचती है तो वो कोई भी चीज़ हो उसको बड़े ही आराम से काट सकती है। तो अब सोचोगे मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्यों बातें कर रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि हम चाहे साइकिलिंग करें, चाहे मोटर बाइक पे जाएं, चाहे एक्टिवा पे जाएं, वो जो डोर है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इमरजेंसी में ऐसे केसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने लोगों की वीडियोज़ भी देखी है वो शेयर करते हुए यूट्यूब पर, मैं कम्युनिटी पॉलिसी के हिसाब से मैं नहीं डाल सकता वो वीडियो, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप साइकिल पे हो, चाहे एक्टिवा पे, चाहे स्कूटर पे, ठीक है। अब हम टर्बन भी अगर बांधेंगे तो टर्बन से जो फ्रंट फेस है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है। तो अपनी स्पीड को कम से कम रखो अगर आप टू व्हीलर पे हो, नहीं तो एक प्रॉपर हेलमेट पहनो, ठीक है, ऐसे वाला जिसके ऊपर वाइजर भी हो, प्रॉपर अच्छा या हेलमेट पहनो, ताकि अगर गलती से आप भिड़ जाओ किसी डोर से तो आपका फेस, आपका, ठीक है, गला, मेन क्या होता है, मेन ऐसे यहाँ पे नाक पे कटता है या यहाँ पे गले पे कटता है या उंगली पे, ठीक है, आपने ब्रेक पकड़ी होती है ब्रेक पे उंगली पे कटता है, ग्लव्स भी पहने हो तो उसको भी वो डोर काट देती है। मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, बट लकीली उस दिन मैंने ये हेलमेट पहना हुआ था स्कूटी पे और मैं बच गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू हेलमेट है, ये देखिए नज़दीक से। अब ये देख के सिर्फ हल्का सा स्क्रैच लग रहा है बट बेहद ही ठीक है, एकदम से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने लग पड़ी, स्पीड भी कुछ खास नहीं थी, 40-45 के आसपास थी स्पीड, उससे ज़्यादा नहीं थी। और पहले एकदम से मेरे को अंधेरे में ही, तब रात का टाइम ही था, मैं जा रहा हूँ, एकदम से आवाज़ आने लग पड़ी, ठीक है, और जैसे ही मैंने ब्रेक लगाई एकदम से बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस भी बढ़ गया डोर पे और वाइजर ऐसा हो गया, ठीक है, वाइजर ऐसे ऊपर हो गया। और मेरी खुशकिस्मती थी यहाँ से मेरे फेस तक नहीं पहुँची, यहाँ से लेकर फिर यहाँ, ये देखो इधर भी, यहाँ पे भी पैड पे कितना ज़्यादा कट लगा है, ये देखो यहाँ पे भी कितना गहरा कट लग गया, और इधर भी जो ये इसकी प्लास्टिक है, पता नहीं मेटल है प्लास्टिक ही होती होगी, ये देखो बेहद ही बहुत ज्यादा गहरा इसमें कट लगा हुआ है। तो बहुत ही ध्यान रखने की आपको जरूरत है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। और ठीक है, सेफली ड्राइव करो, सेफली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचो, हॉस्पिटल ना पहुंच जाना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपके पास हेलमेट है, ठीक है, वाइजर वाला प्रॉपर फुल क्लोज वाला हेलमेट ले सकते हो, फुल फेस वाला, तो वो भी लो, पगड़ी पहनते हो, जहाँ हेलमेट नहीं पहना है
ठीक है, तो बिल्कुल ही स्लो चलाओ, आपके पास टाइम हो रिएक्ट करने का। अब मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लग गया, हल्की सी डोर ऐसे नीचे लटकी भी हो ना, उससे भी मेरे को डर लगना शुरू हो गया। तो ये चीज का आपका ध्यान रखो और सेफ रहो। सो दोस्तों, मैं आपके साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था ताकि आप ध्यान रखो, कोई भी ठीक है किसी को ऐसी चोट ना लगे। ये वीडियो को आगे शेयर करो और मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।